कई चीजें दिखते हैं, कई चीज आपको नहीं दिखते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे परमाणु वगैरह पता पड़ा है ना आपने, एटम, जैसे बहुत छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसी बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप आजकल दुनिया में निकल गई है जो आपको एटम बिल्कुल दिखा देगी, ठीक है। तो आपके शरीर में भी तो पूरा सब कुछ एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जो शरीर है इसके अंदर जैसे मशीन काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, ये सब अब आदमी मशीन की तरफ बनाना चाहता है, क्योंकि अगर आपका कोई पार्ट खराब हो जाए वहाँ पे हम उसको फिट कर देंगे, ठीक है। आखिर हमारा एम क्या है कि आदमी सुस्त रहे, हाँ। बट आप जानते हैं हर एक की एक उम्र होती है, फिर आपका कुछ ना कुछ बॉडी का हिस्सा ढीला होता रहता है, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो। तो अगर आपके हार्ट के बदले कोई और दूसरा हार्ट बना दे मशीन वाला और लग जाए, तो आप और 10 साल 20 साल आपको ज़िंदगी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत हो रहा है। तो बड़े बड़े रोग क्या हैं, बड़े बड़े डिजीज क्या हैं, सबसे बड़ा रोग आपने क्या सुना है, सबसे बड़ा रोग आपने क्या सुना है, कैंसर सुना है। कैंसर में क्या होता है, एक जो कोशिका है, जो सेल है, वो बहुत बढ़ने लग जाती है, वो इतनी बढ़ने लग जाती है किसी दवाई से कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। तो फिर उसको हम ट्यूमर कहते हैं, वो ट्यूमर बन जाता है। तो ट्यूमर को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लोग निकाल रहे हैं, पर कोई भी फाइनल दवाई अभी तक नहीं निकली है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कोई कुछ साल के लिए, कुछ ज़्यादा साल के लिए जीता है, पर वो कैंसर को ख़त्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो रोग हैं इनको सॉल्व करना हमारा मेन उद्देश्य है, हाँ। ये है मेडिकल रिसर्च। जैसे आप आगे साइंस में क्या क्या करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिकल रिसर्च, ताकि हर आदमी सुस्त रहे। आप सुनते होंगे अखबार में आता है ये वायरस आ गया, सार्स वायरस आ गया, अभी अखबार में है इबोला वायरस है, ये नया है, इसकी कोई दवाई नहीं है, ये अफ्रीका से आया, ठीक है ना। जैसे अफ्रीका से कोई आदमी लेके आया, वो दिल्ली में उतरा, दिल्ली में फैल जाएगी, तो दिल्ली से गया और रंगून, रंगून में फैल जाएगी, ऐसे होता है। इसलिए एयरपोर्ट में जब आदमी आते हैं, जब ऐसी रोग चालू हो जाते हैं, तब एयरपोर्ट में सबको स्क्रीन कर देते हैं, सबको इस कमरे में घुसा देंगे, जो भी अफ्रीका से आ रहा है फिर उसकी पहले चेकिंग होगी, और तब तक वो घर नहीं जा सकता जब तक वो सही हो, नहीं तो उसको वापस अफ्रीका भेज देंगे, नहीं तो दिल्ली में फैला देगा, दिल्ली वाला फिर यहाँ आ जाएगा, ग्रामीण में एक दिन घूमते हुए वो यहाँ फैला देगा। वायरस ऐसा ही होता है ना, वो हर जगह फैल जाता है। तो आपको जो साइंस कर रहे हैं, अगर आगे जाना है तो एक काम आप सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वही करना है, पर आप सोच सकते हो कि मुझे मेडिकल रिसर्च में जो जो ऐसे क्या बोलते हैं, जो रोग हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, मेरे को उन रोगों पे काम करना है, उनकी दवाई की खोज करनी है, हाँ। जैसे कैंसर है, जैसे एड्स की बीमारी है, हजार तरीके के वायरस हैं, ठीक है। तो इन सब को आपको सॉल्व करना है और आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है। अभी लोगों की कॉन्सेंट्रेशन और कहीं चली जा रही है, दो बच्चे जा रहे हैं। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल अपने जो तुमने सोचा है उसके बारे में सोचना है। जैसे ही तुम और 10 चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भंग और तुम आगे नहीं जा सकते। जो कॉन्सेंट्रेट करेगा कि मेरे को आगे जाके यही काम करना है, ठीक है ना, वो ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। तुम क्या बनोगे बड़े होके, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ निशा, क्या बनोगे, टीचर बनोगे, क्या क्या बनते हैं लोग बड़े होके, क्या क्या बन सकते हो, जोर से बोलो ना, शर्माओ नहीं, शर्माना नहीं, उनका आगे बड़ा बनना है ना, तो शर्माओगे तो कैसे, मैं जैसे बात कर रहा हूँ तुमको बात करना पड़ेगा, तुमको इधर आके खड़ा होकर बात करना पड़ेगा,
तो शर्माने से थोड़ी ना चलेगा। बोलो जोर से बोलो, कुछ तो बोलो बे, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? शर्मा रहे हो? फिर बोलो। अच्छा तुम बोलो, क्या बनना चाहते हो? बोले बैठो बोलो। हाँ पढ़ना? नहीं, पढ़ के आगे क्या बनोगे? पढ़ना तो सभी पढ़ेंगे, ये सब लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ के तुम क्या बनना चाहते हो आगे? तुम पढ़ने के बाद तो स्कूल के बाहर चले जाओगे ना, स्कूल 12वीं के बाद तो स्कूल में नहीं रह सकते, फिर आगे जाके क्या करोगे? हाँ टीचर बनेगी, ये देखो शाबाश। और तुम बताओ, तुम भी टीचर बनोगे? हाँ क्या बनोगे? टीचर के अलावा कौन और कुछ बनना चाहता है बताओ? टीचर तो सब लोग बनोगे, तुम टीचर देख रहे हो, और क्या बनना चाहते हो? कोई है टीचर के अलावा और कौन से काम कर सकते? और कोई काम नहीं है? पुलिस। हाँ दुनिया में और कोई काम नहीं है? सभी लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो क्या चलेगा? बाकी काम कौन करेगा? नर्स बनेंगे, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? बड़े बन कहना है तुम्हारा बबीता, बबीता ठाकुर नर्स बनेगी। आप क्या बनोगे? क्या अच्छा लगता है? टीचर बनेगा। आप लोगों ने सही इनको, हाँ सबको टीचर बनाना है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, और कोई नहीं लेना चाहते? ये आर्मी मैन बनेगा, ये आर्मी में जाना चाहते? आर्मी में सबसे टॉप पोजीशन क्या होता है? जनरल, जनरल जनरल होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है, दिल्ली में बैठता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा 12वीं के बाद, ठीक है? और कोई है फौज के अलावा, टीचर के अलावा?